मानकापुर पुलिस थाना अंतर्गत गोदने रेलवे परिसर में सोमवार रात एक सनसनीखेज वारदात हुई है। नुकसान भरपाई को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने अपने ही दोस्त पर गुप्त से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जख्मी युवक की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। आरोपी कलेक्टर कॉलोनी गोदने निवासी दीप हरि खरे उम्र 40 साल बताया जा रहा है, जबकि जख्मी युवक आराधना सोसाइटी निवासी प्रफुल्ल महादेवराव दांडेकर उम्र 33 है। दीप और प्रफुल्ल अच्छे दोस्त थे। करीब डेढ़ वर्ष पहले प्रफुल्ल किसी काम से दीप की मोटरसाइकिल मांग कर ले गया था, लेकिन उसकी बाइक चोरी हो गई। तब से दीप उससे बाइक के नुकसान की भरपाई मांग रहा था। सोमवार की रात 10:30 बजे के दौरान प्रफुल्ल अपने मित्र इब्राहिम शेख से मिलने उसके घर पर गया था और कुछ देर बाद दीप भी वहाँ पर आया। प्रफुल्ल को देख कर वह आग बबूला हो गया। कुछ देर में आता हूँ कहकर वापस लौट गया। थोड़ी देर बाद इब्राहिम अपनी मोटरसाइकिल पर प्रफुल्ल को छोड़ने उसके घर जा रहा था। दीप ने उनका रास्ता रोका और पैसे के विवाद को लेकर गुप्ती से प्रफुल्ल की छाती और पीठ पर वार कर दिए। इब्राहिम भागता हुआ प्रफुल्ल के घर पर पहुंचा और उसके भाई को घटना की जानकारी दी। दोनों के घटनास्थल पर पहुंचने से पहले ही दीप भाग चुका था। प्रफुल्ल को इलाज के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया और पुलिस ने इब्राहिम की शिकायत पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है और आरोपी दीप की तलाश करी है। मानकापुर पोलीस ठाणे हद्दीमध्ये दिनांक 15/7/2024 रोजी रात्री 11 वाजताच्या दरम्यान ही घटना घडलेली आहे। यामध्ये जो जखमी आहे तो प्रफुल्ल महादेवरावजी दांडेकर, वय आहे त्याचे 33 वर्ष, राहणार आराधना सोसायटी गोदनी नागपूर। तर हा आणि जो मारणार आरोपी आहे तो आहे दीप हरि खरे, राहणार कलेक्टर कॉलनी गोदनी। हे पूर्वीचे जुने मित्र होते। जखमी जो आहे, जखमीच्या हातून आरोपीची 1.5 वर्षापूर्वी मोटरसायकल चोरीला गेली होती, तेव्हापासून त्यांच्यामध्ये भांडण चालू आहे। जो आरोपी आहे तेव्हापासून जखमीकडे गाडीची भरपाईसाठी पैसे मागत होता। त्याने आजपर्यंत पैसे दिले नाही। त्या रागातून त्याने 15 तारखेला रात्री 11 वाजता दरम्यान गोदनी पेट्रोल पंपच्या बाजूला एका गल्लीमध्ये तो लपून बसला होता आरोपी। आणि जो जखमी आहे तो यातील त्याचा मित्र आहे, जो फिर्यादी आहे यामध्ये इब्राहिम शेख, यांच्यासोबत घरी जात असताना अचानक गाडी अडवून आरोपीने जखमीला लोखंडी गुप्तीने अंगावर स्टॅबिंग केलेला आहे। छातीवर व पाठीवर असे एकूण 15 वार आहेत। त्यामध्ये जो जखमी आहे तो गंभीररीत्या जखमी झाला आणि सध्या तो संजीवनी हॉस्पिटल येथे उपचार घेत आहे। यातील आरोपी जो आहे दीप खरे, त्याला आम्ही डीबी पथकाच्या मदतीने तात्काळ ताब्यात घेतले आणि अटक करण्यात आलेली आहे, तपास चालू आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।